गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हम लेसन नंबर 4 पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5, जिसका टॉपिक है नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब होता है लीडरशिप। कोई भी व्यक्ति अपने नेतृत्व में किसी अनुयायी से क्या काम करवा सकता है, उसको हम नेतृत्व या लीडरशिप कहते हैं। यहाँ पर नेतृत्व का अर्थ है, नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण है, यानी हर व्यक्ति में नेता के जो काम करने के गुण होते हैं वो व्यक्तिगत गुण होते हैं, हर व्यक्ति में वो गुण अलग अलग पाए जाते हैं। तो नेतृत्व वह व्यक्तिगत गुण है जिससे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को की इच्छा को, यानी जो नेता है वो अपने अनुयायी को उसकी इच्छा को इस प्रकार प्रभावित करता है कि वह संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी जो भी संस्था के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो नेता है वो अपने अनुयायी से स्वैच्छिक रूप से वो तैयार हो जाए, इस प्रकार वो प्रयास करता है। यानी किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करके अपने इच्छा अनुसार जो कार्य करवाना है वो करवाने के लिए उस व्यक्ति को नेतृत्व प्रदान करना पड़ता है, यानी एक नेता के रूप में कार्य करना पड़ता है। तो ये आपके जो टॉपिक है वो नेता के रूप में नेतृत्व का मतलब क्या है। अब हम ये देखें कि नेतृत्व है क्या। हम शुरू से जो प्रबंध है उसको पढ़ते आ रहे हैं। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यानी प्रबंध के हमने हमेशा से ही 3 स्तर पढ़े हैं, नंबर 1 इसके नीचे होता है, नंबर 2 और इसके नीचे होता है, नंबर 3 और इसके नीचे जो है वो कर्मचारी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहें कि जो आपका प्रथम लेवल का प्रबंधक है वो सेकंड लेवल के प्रबंधक के लिए नेता है, और जो सेकंड लेवल का प्रबंधक है वो थर्ड लेवल के लिए नेता है, और थर्ड लेवल का जो प्रबंधक है वो कर्मचारी के लिए नेता है। तो ये तीनों ही प्रबंधक जो है वो एक प्रकार से नेतृत्व का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वयं काम नहीं करते, ये कर्मचारियों से काम करवाते हैं, अपने अधीनस्थों से काम करवाते हैं। तो ये जो कड़ी है ये नेतृत्व के रूप में, जो व्यक्ति जितना अच्छा नेता होगा वो अपने अनुयायियों से उतना ही बढ़िया कार्य करवा पाएगा। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपनी की, तो कंपनी में जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है साल भर का, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन लोगों को कार्य करना होता है और एक नेतृत्व प्रदान करना होता है। तो ये जितने अच्छे नेता होंगे ये अपने अनुयायियों से उतना ही बढ़िया काम करवा पाएंगे। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि नेतृत्व में विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, यानी एक जो नेता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिसको हम ये कहें कि हाँ ये अच्छा नेता है। तो नंबर 1 है व्यक्तिगत गुण, यानी हर व्यक्ति जब नेता के रूप में कार्य करता है तो उसमें अलग अलग गुण पाए जाते हैं। हर व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमताएं जो है अलग अलग होती हैं। अब जैसे हम आजकल पॉलिटिकल में ही उदाहरण ले लें कि जो आपके बीजेपी का नेतृत्व है मोदी जी, और जो कांग्रेस का नेतृत्व है आपके राहुल गांधी, दोनों के नेतृत्व में कितना अंतर है, दोनों का जो व्यक्तिगत गुण है वो कितना अलग अलग है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो नेतृत्व है उसकी एक विशेषता ये होती है कि ये हर व्यक्ति में ये गुण अलग अलग होता है, पर्सनल गुण होता है ये हर व्यक्ति का। इसके बाद है अनुयायी, यानी नेता कब कहलाएगा, नेता तब कहलाएगा जब नेता के नीचे जो काम करने वाले, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसको जो उसका जो अनुकरण करने वाले लोग हैं वो अनुयायी होने चाहिए। अगर अनुयायी नहीं है तो नेता भी नहीं होगा। तो इसलिए जो अनुयायी हैं यानी सबॉर्डिनेट, यानी उसके नीचे काम करने वाले जो अधीनस्थ हैं, उनका होना कंपल्सरी है। अगर वो होंगे तभी जो अधिकारी है वो नेता कहलाएगा। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रभावित करने की कला। अब जैसे मैंने आपको अभी अभी उदाहरण दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस है, तो दोनों के नेतृत्व में कितना अंतर है। मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी कार्य कर रही है उसके कहे अनुसार जो है वो जितने भी लोग हैं वो उससे प्रभावित होते हैं और उस कार्य को करने के लिए आगे से आगे तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी जी हैं उनका नेतृत्व ऐसा है कि उनके कहे अनुसार जो कार्य होता है उसको कुछ लोग तो सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग उसको मजाक में ले लेते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि नेतृत्व की जो विशेषता है वो है प्रभावित करने की कला, यानी हर व्यक्ति ने में अपने अधीनस्थ को प्रभावित करने की जो कला होती है वो अलग अलग होती है। किसी में वो बहुत ज्यादा होती है, किसी में वो बहुत कम होती है। तो प्रभावित करने की कला होना भी जरूरी है, जभी नेतृत्व कहलाएगा। इसके बाद है हितों की एकता। अब हितों की एकता का मतलब ये होता है कि जो अधिकारी है
उसके उसका स्वार्थ या हित, और जो उसके नीचे कार्य करने वाले अधीनस्थ हैं उनका स्वार्थ या हित। यानी जो अधिकारी है वो अपने अधीनस्थों के आधार पर ही हित है, दोनों की जो इच्छाएं हैं वो एक जैसी हैं, अधिकारी की इच्छा भी वही है जो अधीनस्थ की इच्छा है, यानी दोनों के हित समान हैं। अगर दोनों के हित समान होते हैं तो कार्य हमेशा अच्छा होगा और जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है वो प्राप्त किया जाएगा। लेकिन अगर हितों में एकता नहीं होगी, यानी अधिकारी का हित अलग होगा और अनुयायियों का हित अलग होगा, तो फिर जो आप चाहते हैं वो कार्य नहीं करवा पाएंगे। तो इसमें दोनों के हितों में एकता होनी चाहिए, यानी अधिकारी और अधीनस्थ के जो हित हैं वो एक जैसे होने चाहिए। इसके बाद है नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। हम ये कहते हैं पुराने समय में जैसे ये कहा जाता था ना कि कलाकार जन्मजात पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते, यानी एक्टिंग जो है वो जन्म से गुण होता है, एक्टिंग को सिखाया नहीं जा सकता। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि एक्टिंग जन्मजात नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिंग का कोर्स करके उस कोर्स को करने के बाद अच्छे से अच्छे एक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि नेता बनाने के लिए नेता में जन्म से वो गुण होना कोई कंपलसरी नहीं है। पुराने समय में ये माना जाता था कि नेता जन्मजात पैदा होते हैं, उनमें जन्म से ये गुण होता है कि वो किसी न किसी प्रकार के नेता बनेंगे। लेकिन आज हम अगर कहें तो नेतृत्व क्षमता यानी नेता बनने की जो क्षमता है उसको विकसित भी किया जा सकता है, यानी अपने आप में डेवलप भी किया जा सकता है और उसको प्राप्त भी किया जा सकता है प्रयासों से। कैसे? आज हम ये देखते हैं, हमने नाम सुना होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स का। यानी कुछ लोग जो है आरएएस और आईएएस की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, लेकिन उनमें आरएएस और आईएएस जैसी जो क्षमता या योग्यता होनी चाहिए वो इंटेलिजेंसी तो बहुत होती है, लेकिन उनकी जो छवि होती है वो आरएएस और आईएएस जैसी नहीं होती। तो उनको चलने फिरने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, रहन सहन, ये सब चीज़ें जो है वो सिखाई जाती हैं, जिसे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कहते हैं। तो यहाँ आज यही कह रहा है कि नेता जो है वो पहले ये कहते थे कि नेता बनाए नहीं जा सकते बल्कि जन्मजात होते हैं, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि नेता जो है उसको विकसित किया जा सकता है, यानी उसको निर्मित किया जा सकता है और उसमें वो क्षमता जो है वो प्राप्त की जा सकती है कि वो एक अच्छा नेता बने। इसके बाद 6 है परस्पर संबंधों पर आधारित। अब संबंधों पर आधारित क्यों है? क्योंकि नेता को अपने जो अधीनस्थ हैं, यानी जो नेता है फर्स्ट नंबर का जो प्रबंधक है वो अगर नेता है तो उसको अपने अधीनस्थों से जो उसके रिलेशन है, संबंध है, चाहे वो ऑफिस के संबंध हो, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो, चाहे वो अपने जो है आपस के संबंध हो, ये सारे ही संबंधों के आधार पर ही जो है नेतृत्व होता है। यानी हम किसी को अपना आइडल तब मानते हैं जब हम उसमें अपनी जो इच्छाएं हैं या हम जो चाहते हैं वो गुण उसमें पाते हैं। तो इसलिए परस्पर संबंधों पर आधारित है, यानी नेतृत्व जो क्षमता है वो आपस के संबंधों पर आधारित है। अगर आपके आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं तो आपका नेतृत्व जो है वो बहुत अच्छा होगा। अगर आपके आपके संबंध अधिकारी और अधीनस्थ के अच्छे नहीं है तो आपका नेतृत्व जो है अच्छा नहीं होगा। इसके बाद है अनुकरणीय आचरण। इसमें ये कहा गया है कि जो आपके अनुयायी होते हैं, यानी जो सबॉर्डिनेट, यानी जो आपके अधीनस्थ होते हैं, अधीनस्थ किसी भी व्यक्ति को नेता तब मानते हैं, अधिकारी तब मानते हैं जब उसका आचरण उनके फॉलो करने योग्य हो। यानी वो सोचे ये अधिकारी कितना अच्छा है, कितने अच्छे से बोलता है, हमको भी ऐसे बोलना चाहिए, ये अधिकारी जो है कितने अच्छे से रहता है, हमको भी अच्छे से रहना चाहिए। तो अनुकरणीय आचरण अगर किसी नेता का होगा तो ही वे जो अधीनस्थ हैं वो उस अधिकारी को नेता मानेंगे। इसके बाद है गतिशील प्रक्रिया। गतिशील प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि नेतृत्व प्रदान करना कोई एक समय का कार्य नहीं है कि हमने जो है कंपनी में एक बार नेतृत्व प्रदान कर दिया और फिर छोड़ दिया उसको। नेतृत्व हमेशा प्रदान किया जाना चाहिए, हमेशा नेतृत्व जो है कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, क्योंकि समय समय पर जो अधीनस्थ होते हैं उनको अधिकारी के आदेश निर्देश की आवश्यकता पड़ती है, और जब अधिकारी समय समय पर आदेश निर्देश प्रसारित करता रहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपने जो उसके जो अधीनस्थ हैं वो सही प्रकार से काम करते रहते हैं। तो ये एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार चली और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, यानी जब तक संस्था चलेगी तब तक ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी। उसके बाद है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि औपचारिक रिलेशन का मतलब है कि ये अधिकारी है और ये इसका अधीनस्थ है, क्योंकि ये इसके ऊपर कार्य कर रहा है और ये इसके नीचे कार्य कर रहा है,
ये औपचारिक रिलेशन है, यानी अधिकारी अधीनस्थ का संबंध जो है वो औपचारिक संबंध है। लेकिन अनौपचारिक संबंध का मतलब ये है कि ये अधिकारी और ये अधीनस्थ जब अपने कहीं पर्सनल किसी फंक्शन में मिलते हैं तो ये दोस्तों की तरह से बात कर सकते हैं, इस समय पर ये अधिकारी अधीनस्थ नहीं होते। तो ये जो रिलेशन होता है ये अनौपचारिक रिलेशन होता है। तो यहाँ यही कह रहा है, किसी भी अधिकारी को नेतृत्व प्रदान करने के लिए कई बार औपचारिक रूप से नेतृत्व प्रदान करना पड़ता है और कई बार उनको अनौपचारिक रूप से भी नेतृत्व प्रदान करना पड़ता है, यानी कई बार जो उसके अनुयायी हैं नेता के, उनको कई बार उनको अधिकारी अधीनस्थ वाली सिचुएशन में उनको समझाना पड़ता है किसी चीज को, और कई बार दोनों को एज ए फ्रेंड होकर के किसी चीज सिचुएशन को समझाना होता है। तो जो आपके नेतृत्व है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से पाया जाता है। इसके बाद है, सभी प्रबंधक नेता नहीं होते, यानी हम ये कहें कि नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री पे जो प्रबंधक हैं वो सबके सब में नेता वाले गुण हैं, तो ऐसा नहीं है। किसी में नेतृत्व के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी में नेतृत्व के गुण कम पाए जाते हैं। कोई एक अच्छा नेता होता है, कोई एक अच्छा नेता नहीं होता। तो सभी प्रबंधक जो कहें हम, तीनों के तीनों जो लेवल के प्रबंधक हैं, सभी प्रबंधक जो है जरूरी नहीं हो कि उनमें नेतृत्व का गुण हो। ये था हमारा नेतृत्व का विशेषताएं, अर्थ और विशेषताएं। इसके आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।